यह अंक समर्पित है बच्चों को। बच्चे मन के सच्चे, दिल के अच्छे, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्हे बच्चे। बच्चे हमारी अमानत हैं, समाज की आशा हैं। देश का भविष्य हमारे आज के बच्चों पर निर्भर करता है, उनकी आज की एजुकेशन पर निर्भर करता है। एजुकेशन से मतलब उनके सर्वांगीण विकास से है, जिसमें स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ उनकी सांस्कृतिक और नैतिक शिक्षा भी सम्मिलित हो। बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, उनकी प्रतिभा को पहचान कर उन्हें प्रोत्साहन देना हम सभी का कर्तव्य है। तो आइए ऐसे ही कुछ बच्चों से मिलें। और प्यारे बच्चों, इस जिगर थाम लेने वाले थिरकते नृत्य के बाद हम अपनी संगीत यात्रा जारी रखते हैं क्लास 8 ए की श्रीला के कैसियो वादन से। सो प्लीज वेलकम श्रीला। एक के बाद एक इन धमाल प्रस्तुतियों के बाद हम चलते हैं गीत संगीत की उस दुनिया में जहां पर आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। अब आपके सामने हरित दिवाकर क्लास 8 बी के छात्र एक सेमी क्लासिकल भजन प्रस्तुत करेंगे। हरित दिवाकर। मन तरपत हरि दर्शन को आज, मन तरपत हरि दर्शन को आज, मोहे तुम बिना बिगड़े सगरे काज। ओ बिनती करत हूँ रखी मन तरपत हरि दर्शन को आज, मन तरपत हरि दर्शन को आज। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आस और विश्वास के धागे से बंधे विश्वास मिश्र क्लास 8 बी के एक और छात्र अब आपके सामने शास्त्रीय गायन पेश करेंगे। विश्वास मिश्र। दाता तू गणपति गजानन, दाता तू गणपति गजानन, दाता तू गणपति गजानन, भजती तू सासी गणेशन, दाता तू गणपति गजानन, दाता
तो अब मैं अपने माननीय मुख्य अतिथि श्री अमोल पालेकर जी से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आए और परिणाम घोषित करें। जी हाँ, ये वही कलाकार हैं जिन्होंने लाखों का चित चुराया है। कभी नरम गरम हुए हैं तो कभी सब गोलमाल कर बैठे हैं। श्री अमोल पालेकर जी। इस संगीत संध्या में मुझे आमंत्रित करके आप लोगों ने जिस सम्मान दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन पंडित अजय पोहनकर जी जैसे महान कलाकार और गुरु आप सबके सहयोग से ही हो सकता है। इस प्रयास के लिए बहुत बहुत बधाई। आज इस अवसर पर बस इतना ही कहूँगा कि हमारे देश में, हमारे समाज में जितनी ज़रूरत साइंटिस्ट की है, इंजीनियर्स की है, डॉक्टर्स की है, उतनी ही ज़रूरत कलाकारों की भी है। थैंक यू। जी हाँ, तो द विनर इज विश्वास। मेरा नाम अंकिता है सर। अंकिता, बहुत बढ़िया नाम। थैंक यू सर। सर सर, मेरा नाम सुनील है। आप ही हारमोनियम बजा रहे थे ना? जी सर, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, लेकिन और मेहनत करनी पड़ेगी। जरूर सर। ओ ओ ओ, एंड यू? सेम सर, मैं आपकी शूटिंग देखना चाहती हूँ। आप मुझे दिखाएंगे ना सर? दिखाएंगे जरूर। थैंक यू। चलो, थैंक यू। बाय बाय सर। सुनो बेटे, मे आई हैव योर ऑटोग्राफ प्लीज? ओए, क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? सर, क्या मैंने अच्छा नहीं गाया? तुमने बहुत अच्छा गाया। फिर बेटे, कंपटीशन में हार जीत तो होती ही है, उसके लिए दिल छोटा थोड़े ना करते हैं। अच्छा ये बताओ, तुमने तालीम किससे ली है? तालीम? बैठो। तालीम का मतलब शिक्षा। तुम्हारे संगीत के गुरुजी कौन है? गुरुजी कोई नहीं। तुम अगर बिना तालीम के इतना अच्छा गा लेते हो तो अगर बाकायदा किसी से संगीत सीख लो तो कितना अच्छा गा सकोगे? सच? बिल्कुल। अगर मैं आपसे कभी मिलना चाहूँ तो? एनी टाइम। अरे हरे, तुम यहाँ? हाय, मैं तुम्ही से मिलने आया हूँ। मुझसे? हाँ, वो एक्चुअली कल तुम कंपटीशन जीत गए और मैंने तुम्हें विश भी नहीं किया। अच्छा, तो तुम मुझे स्पेशली विश करने आए हो। थैंक्स अ लॉट यार। वैसे कल तो तुमने भी बहुत ही अच्छा गाया था। रियली? हाँ, पर तुमसे अच्छा नहीं। वैसे कल कंपटीशन के बाद अमोल अंकल मेरे पास आए और कहने लगे, कैन आई हैव योर ऑटोग्राफ प्लीज? हाँ, उन्होंने ऐसा कहा, तेरी तो फेंकने की आदत कभी नहीं जाएगी। सच? उन्होंने ये भी कहा कि मैंने बहुत अच्छा गाया, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन मैं और भी अच्छा गा सकता हूँ अगर किसी से संगीत सीख लूँ, जैसे कि तुम सीखते हो गुरुजी से। विश्वास, प्लीज़ तुम्हारे गुरुजी से कहो ना कि मुझे भी अपना शिष्य बना ले। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, चलो पूछ कर देखते हैं।
बच्चों आज आपने बहुत अच्छा बजाया, बहुत अच्छा नृत्य किया। आपको आशीर्वाद देने के लिए मैं थोड़ा सा कुछ सुना रहा हूँ राग भैरवी में। कैसी है भलाई रे कनाई पनिया भरत मोरी गगरे गिराई कर केल राई कैसी है भलाई कैसी भलाई रे भलाई प्रणाम गुरुजी। जीते रहो। गुरुजी यह मेरा दोस्त हरित, यह भी आपसे शास्त्रीय संगीत सीखना चाहता है। आप इसे अपना शिष्य बनाएंगे ना गुरुजी? संगीत सीखना बहुत अच्छी बात है बेटा, मैं उसे जरूर अपना शिष्य बताऊंगा। कोई जरूरत नहीं, क्या करोगे सीख कर, अच्छा खासा तो गा लेते हो तुम। पर बाबा मुझे और अच्छा गाना है। क्या होगा, क्या होगा और अच्छा गाते? तुम्हें क्या कोई सिंगर बनना है? पता नहीं। अरे बाबा बाबा मेरी बात क्यों नहीं समझते बाबा? बाबा प्लीज बाबा, बाबा ये मेरा शौक है और गुरुजी ने तो मुझे क्लासिकल सीखने के लिए हाँ भी कह दिया है। क्या तुम क्लासिकल सिंगर बनना चाहते हो? अरे ये फितूर कहाँ से तुम्हारे दिमाग में सवार हो गया भाई? अरे बनना ही है तो डॉक्टर इंजीनियर बनो। तुम्हारी माँ कहाँ गई अब? मुझे क्या पता। देखो मैं कहता हूँ सिर्फ पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, उसी में तुम्हारा भला है। तो पापा पढ़ाई लिखाई में तो मैं ध्यान देता हूँ ना, हर साल फर्स्ट डिवीजन लाता हूँ। वही तो कह रहा हूँ कि सिर्फ उसी पे ध्यान दो, वरना उससे भी हाथ धो बैठोगे। लो ये बिस्किट खाओ। पापा रोज सिर्फ एक घंटे की तो बात है। हाँ वही एक घंटा अगर तुम रोज मैथ्स की ट्यूशन में लगाओगे ना तो इस साल फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ सकते हो। और मेरा शौक? बेटे उसके लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। लो दूध पियो। मेरे मम्मी पापा मुझे समझते क्यों नहीं? मुझे संगीत सीखना है,
शास्त्रीय संगीत। तू बहुत लकी है यार, तेरे मम्मी पापा तेरे सेंटिमेंट्स को समझते हैं, पढ़ाई के अलावा तेरी दूसरी इच्छाओं का भी ख्याल रखते हैं। और मेरे मम्मी पापा? दिल छोटा मत कर दोस्त, एक रास्ता है। क्या? अमोल अंकल से मिलते हैं। तूने तो कहा था कि वो तुझसे इम्प्रेस्ड हैं, और वो गुरुजी वाला आइडिया भी तो उन्हीं का था ना। अगर वो तेरे मम्मी पापा से कह दे तो बात बन सकती है। गुड आइडिया, लेट्स गो। कल की रिहर्सल ठीक 6:30 बजे, लेकिन सबकी लाइंस एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। ओके, थैंक यू। हाँ जी सर, गाड़ी भेज दें। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। हेलो रियाज, कैसे चल रहा है? बहुत अच्छी तरह से चल रहा है अंकल। और आपका? मम्मी पापा मना करते हैं, कहते हैं ये सब फालतू है, पढ़ाई पे ध्यान दो। इसका मतलब आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते होंगे। देता हूँ, हर साल 90+ लाता हूँ। फिर मम्मी पापा को इतराज क्यों है? पता नहीं अंकल, आप मेरे घर आके मेरी मम्मी पापा को समझाइए ना प्लीज। अंकल प्लीज, मैं इस वक्त तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं आ सकता। अंकल फिर उनको आप फोन करके समझा दीजिए, वो लोग आपकी बात जरूर मान जाएंगे। मेरी एक शर्त है, पढ़ाई और संगीत दोनों पे पूरा ध्यान दोगे? हाँ अंकल। क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब जोर से बोलो हाँ अंकल। हाँ अंकल। बोलो नंबर। हेलो जी, मैं अमोल पालेकर बोल रहा हूँ। अमोल पालेकर? कौन अमोल पालेकर? दीजिए मैं बात करती हूँ। आप भी ना कमाल करते हैं। हेलो, आप गोलमाल वाले अमोल पालेकर बोल रहे हैं? जी वही। जी नमस्ते, मैं मालती, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। दरअसल आपके बेटे हरित के बारे में बात करनी है। हाँ जी, एक सेकेंड। हाँ, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अच्छा, हेलो अमोल जी, नमस्कार, मैं हरित का फादर बोल रहा हूँ जी। जी सर सॉरी, मैं आपको पहचान नहीं पाया। अब हम तो सोच भी नहीं सकते थे ना कि आप हमारे घर पे फोन करेंगे। नहीं कोई बात नहीं, मैं आपके बेटे हरित के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ कहिए ना। आपका बेटा बड़ा गुणी है, बहुत अच्छा गाता है। अगर किसी अच्छे गुरु से शिक्षा पाएगा तो बहुत ही उम्दा गायक बन सकता है। लेकिन शायद आपको? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस डर सिर्फ इस बात का है कि वो पढ़ाई में पीछे ना हो जाए। नहीं, पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, इसमें कोई दो राय है नहीं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ भी उतनी ही अहम होती है। हरित को आप एक चांस दीजिए और फिर देखिए। अमोल जी, अब हम तो संगीत के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो यही सही, मैं कल ही हरित को गुरु जी के पास भेज दूंगा। थैंक यू, डन। यस आ
लवली, बहुत सुंदर। अरे अमोल अंकल, आप यहाँ? पंडित जी तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे थे तो सोचा सुना जाए। अरे तालीम पाने के बाद कुछ फर्क महसूस हो रहा है? हाँ, और अच्छा भी लग रहा है। तुम दोनों बहुत खुश नसीब हो कि संगीत के सफर में तुम्हें अच्छे गुरु मिले, तुम्हारा साथ देने वाले, तुम्हें एनकरेजमेंट देने वाले माँ बाप भी मिले। तुम्हारी ये कौम दिन ब दिन बढ़ती जाए और हमारे देश को, हमारे समाज को और समृद्ध बनाए, यही मेरा आशीर्वाद है। Now, may I have your autograph, please?